गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर और वहाँ पे छोटा सा एक फंक्शन भी है, तो सबसे पहले हम आए हैं गाड़ी वॉश करवाने। तो अभी ना गाइस हम बाज़ार से निकल गए हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू था तो मैंने सोचा कैप्चर कर लेती हूँ। और देखो दूर दूर तक पहाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही हैं और यहाँ पे ना सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे पहाड़ियाँ नज़र नहीं आती हैं, इसीलिए ये पंजाब की तरह लगता है बिल्कुल। वाह यहाँ पे ना मेला लगा हुआ है लेकिन अभी हम नहीं जा सकते वरना हम लेट हो जाएंगे, तो आती बार हम ज़रूर ट्राई करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। और इस जगह का नाम ना गाइस गोहर है और सभी लोग तो नहीं जानते होंगे लेकिन मैंने नाम सुना था लेकिन मैं यहाँ आई नहीं थी। ये गोहर की मार्केट है लेकिन यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रही है। सो गाइस अभी यहाँ से हमें पैदल चलना है और हम तीन ही हैं, नैनवी के साथ हम चार हैं, बाकी सभी पहले चले गए हैं। पूरी पहाड़ों वाली वाइब इधर और सामने बनीवरी देव जी का मंदिर भी दिख रहा है ओ पहाड़ी पे। चलिए मैं वैसे भी पीछे रह जाऊंगी। तो अभी यहाँ पे चल रहा है कीर्तन और नैनवी ने अपनी नानी के पास पहले ही बैठ गई है पीछे और सारे देख रहे हैं कि अननोन अननोन बैठे हैं, बट चलो तालियां बजा रही हैं। अभी हम ऊपर से वापस आ गए, ऊपर मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया और हम ना मंदिर नहीं गए थे, एक्चुअली देव जी थे वो घर पे थे, उनके शायद कुछ होगा जिस वजह से घर पे थे और मंदिर तो उनका बहुत दूर है, उसके लिए हमें और ज़्यादा चलना पड़ना था। अभी हम वापस आ गए और अभी हम इधर नहर के पास खड़े थे थोड़ी देर के लिए, छोटा पी रहे हैं। यहाँ पे भी कोई देव जी आए, तो गाइज़ यहाँ पे ना झील के पास, झील तो नहीं ये नहर है, लेकिन नहर के पास ना बहुत अच्छी वाइब है। वैसे भी मुझे पानी के पास बहुत अच्छा लगता है, मैं सोचती थी कि मेरा घर इसी तरफ होना चाहिए इधर उधर। और कुछ लोग होते हैं जो माउंटेन लवर होते हैं लेकिन मुझे माउंटेन से ज़्यादा बीचेस का शौक है और बीचेस अच्छी लगती हैं, इसलिए जब भी मैं अपना लॉन्ग ट्रिप प्लान करूँगी ना तो मैं बीचेस ही प्रेफर करूँगी। Hey guys, so good morning। कल ना मैं उतना ही शूट कर पाई थी क्योंकि मेरा कैमरा ऑन रह गया था जिस वजह से बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और खुद ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था लास्ट में। तो अभी आज हम आए हैं कॉलेज, आप लोग सोच रहे होंगे कि फेयरवेल के बाद भी कॉलेज आए हैं, तो आज सिर्फ हमारा थोड़ा सा काम है, हमें जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने हैं उसके लिए हम आए हैं, बाकी क्लासेस वगैरह नहीं लगनी है। और मैं विदाउट ड्रेस आई हूँ लेकिन कुछ सिंसियर बच्चे हैं जो ड्रेस में आए हैं, मैक्सिमम सारी ड्रेस में आए हैं। सो गाइस आज एक्चुअली में आज हमारा लास्ट डे है कॉलेज का, इसके बाद हम सिर्फ पेपर देंगे, पेपर भी हमारे बाहर होते हैं शायद टाइट में होंगे, तो जो एक्चुअल वाला लास्ट डे है वो आज ही है हमारा। गाइस हमारे लिए ना एक और टास्क खड़ा हो गया है, टीचर्स बोल रहे हैं कि कल से फाइनल टीपी हमारी, मतलब हमें अपने जूनियर्स को पढ़ाना है, तो उसके ऊपर यहाँ पे डिबेट हो रहा है। ये मिली है गाइस नैनवी से, आमा जी ना स्वेटर बुन रहे थे तो आमा का सामान लेकर भाग रही है, ये देखो पता लग गया इसको कि डाल रहे थे ना, डालो बैग में डाल दो इसको, इसको लाओ इसको डाल दो बैग में डाल दो, वेरी गुड। अच्छा जाओ आप और ले आओ अपने कपड़े, ले आओ कपड़े लिया अपने पास,
यहाँ से देखो, यहाँ से भाग गई वो ना, अभी ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी देखना। जो हाथ में लिया था वो भी मुंह में डाल दिया। पीछे देख रही है कि मुझे देख रही है कि नहीं। ये वाली पौड़ियाँ ना हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखती है कि जब भी कोई नहीं होता इसके आसपास तो भाग के यहाँ से ऊपर पहुँच जाती है, और इससे ना बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। ये ना वैसे भी ऐसे ही लगाई हैं बाहर से, जो हमारी मेन पौड़ियाँ हैं वो तो अंदर से हैं, ये बीच में शायद ज़रूरत पड़ी थी मेरी शादी से भी पहले, तो उस टाइम कोई कुछ ज़रूरत पड़ी थी तो इन्होंने बाहर से पौड़ियाँ लगा दी थी। तो अभी इनको निकालना पड़ेगा, या तो यहाँ पे कुछ पक्का बांधना पड़ेगा ताकि ये ऊपर नहीं जा सके। देखो कैसे चढ़ रही है ऊपर, ये बिल्कुल ऊपर तक पहुँच जाती है, और हमेशा ही पहुँचती है, हमेशा ही। जब मैं घर पे नहीं होती, दादी माँ घर पे होते हैं ना, जो हमारे आमा जी हैं, तो वो भी तंग होते हैं, और उनसे तो नहीं लिए उठाया जाता मतलब इसको, तो फिर वो नहीं निकाल पाते उसको यहाँ से। ये ऊपर तक चढ़ती है, फिर बड़ी मुश्किल से उतारेंगे वो। यहाँ पे वायर भी, अब मुझे इसका आइडिया नहीं कि इसमें करंट तो नहीं है, होगी तो नहीं वैसे। साइड हो जाओ, यहाँ से साइड हो जाओ, चलो। वैसे ना गाइस, बच्चे बालों के साथ ज़्यादा क्यूट लगते हैं, ऐसे बहुत अजीब से लगते हैं, और ये भी बहुत अजीब सी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब अजीब लग रही होगी तो देखने वालों को तो और भी अजीब लग रही होगी, बल्कि सामने ये फिर भी क्यूट दिख रही है, लेकिन कैमरे में तो बहुत अजीब लग रही है। और मेरे फ्रेंड्स कुछ एक मुझे ऐसा बोल रहे थे कि तुमने ना व्लॉग के लिए इसको टकला कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों करूँगी, मतलब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती मैं। ये बहुत ही फ़नी सी बात हो गई, और इससे ना ऐसा हो जाएगा गाइस कि इसके बाल थोड़े से और ज़्यादा घने हो जाएंगे। वैसे भी थोड़े पतले थे इसके बाल, तो बाद में घने हो जाएंगे, और वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अगर घने बाल चाहिए तो 2-3 मंथ का कॉम्प्रोमाइज़ है, अभी बच्चा छोटा है तो कोई बात नहीं, बड़े होकर अगर बाल काटे जाएं तो सोचो कितना भद्दा लगेगा। निवा करो, तू जहाँ कर दो, तू जहाँ, तू करो तो। अभी ना गाइस मैं इधर थोड़ा सा अपना काम कर रही थी, और इसको ना सामान देना पड़ता है खेलने के लिए, तभी थोड़ा सा मैं इसके साथ काम कर सकती हूँ। तो इसने देखो क्या कर रखा है इधर, दे दो इनको, बजाओ डमरू, बजाओ बजाओ डमरू, वेरी गुड। पेन रख दो मम्मा की, पेन रख दो, डाल दो इसमें, डाल दो बॉक्स में, डाल दो दोनों, दूसरा भी, और ये सारे डाल दो, इन सबको इसमें डाल दो, सभी बना लेती हूँ मैं चाय। और चाय को इतना ज्यादा करता हुआ मैंने पहली बार देखा होगा, वो भी व्लॉग बनाती बार, वैसे मैं कभी इतना ध्यान ही नहीं देती। इस करती हुई चाय को देखकर ना मुझे ये ध्यान आ रहा है कि इंसान भी अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही करता रहता है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चले ही रहते हैं। तो नैनवी को कैसे कैसे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बामा इससे खिला रहे हैं इसको, कुछ ना कुछ देना पड़ता है इसको। सो गाइज, आज का व्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ, और अभी कॉलेज की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब जो आज वाला दिन था वो लास्ट दिन नहीं था, अभी हमें कॉलेज जाना है फाइनल टीपी के लिए। जो स्कूल में टीपी लगी थी उसके बिल्कुल लास्ट में फाइनल टीपी होती है, जिसमें मतलब टीचर्स ये देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। वैसे हर बार ये नहीं होती, और इस बार शायद हमारी करवा रहे हैं, तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारा काम है गाइस, बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारे चार्ट्स हैं, तो मेरे व्लॉग्स ना बहुत कम आएंगे। आई होप आप सभी समझ सकोगे, और बाद में जब भी मैं व्लॉग डालूंगी तो उतना ही प्यार देंगे जितना आप अभी दे रहे हो। मेरे लिए ये भी बहुत है, जितने मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे लिए वो सारे बहुत हैं, तो मैं चाहती हूँ इतने मेंटेन रहने चाहिए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।